अगर आपके पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का स्टॉक है तो वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के इच्छुक हैं तो भी आप वीडियो देख सकते हो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वीडियो आप मत देखो। अगर मैं टारगेट की बात करूँगा इसके ऊपर, तो टारगेट आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, क्या राय है एक्सपर्ट की इसमें और क्या करना चाहिए, इसके बारे में सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात मैं बोल दूँ कि आपको 3 जून की बात करता हूँ मैं इस स्टॉक के ऊपर। अगर 3 जून की बात करूँगा मैं, तो मार्केट में इसने हाई बनाया था 356 रुपीज़ के आसपास का, लेकिन जैसे 4 जून हुआ है काफ़ी बड़ी आपको गिरावट देखने को मिल गई थी। लगभग इसका कल इसमें लोड सर्किट बना है 310 रुपये के आसपास का, मतलब दोस्तों काफ़ी बड़ी आपको गिरावट देखने को कल मिली थी यहाँ पे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। देखो कल जो गिरावट हुई थी ना, आज आपको रिकवर करते हुए मार्केट में शेयर देखने को मिल गया है। लगभग आज आपको काफ़ी बड़ा रिटर्न आपको देखने को मिला है। आज आपको लगभग 15 रुपये के आसपास की रिकवरी होती है आपको देखने को मिल गई। अगर ऐसी रिकवरी होती है शेयर में, तो कंफर्म ये शेयर आपको इस मंथ के लास्ट तक आपको 400 का टारगेट ये शेयर आपको दे सकता है। अगर इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो एक बार रिसर्च कर ले, स्टडी कर ले, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।